दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में। और हम लोग यहां पर रणोत्सव में आए हुए हैं, कच्छ में हैं हम लोग और बहुत सुंदर लोकेशन है यहां पर, आप देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज के अंदर में भूंगा कहते हैं इसको। तो ये भूंगा है और बड़ा सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है, आप देख सकते हैं। सब कुछ हैंडमेड लगता है अपने को टोटली, और बहुत सुंदर रिसोर्ट के अंदर में हम लोग यहाँ पर है। दोस्तों एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, आजकल भारत सरकार जो है वो स्वच्छता अभियान चला रही है, तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि स्वच्छता को और गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। जो गरीब व्यक्ति है वो भी स्वच्छ तो रह सकता है, क्योंकि स्वच्छता हमारे हाथ में है। गरीबी शायद लोग बोलते हैं नसीब है, तकदीर है, तो शायद गरीबी तकदीर के ऊपर हो सकती है, लेकिन जो स्वच्छता है वो तो हमारे हाथ में है। यहाँ पर इतना सुंदर तरीके से ये सब लोकेशन तैयार किया गया है, जिसमें कोई हम बोल सकते हैं जैसे कोई फाइव स्टार होटल नहीं है, लेकिन फाइव स्टार होटल को भी टक्कर मारे उस तरह की सारी सुविधाएं यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों हमारे साथ में तेजा भाई है, तेजा भाई को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा जो यहाँ का पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं। तेजा भाई स्वागत है आपका। तेजा भाई ये जो भूंगा है इसको थोड़ा हम लोग देखेंगे अंदर से कि बहुत सुंदर तरीके से किस तरह से अंदर से बनाया गया है। आप देख सकते हैं एकदम साफ सुथरे तरीके से इस भूंगा को यहाँ पर रखा गया है, बहुत सुंदर तरीके से। यहाँ की जो कच्छ की जो डिजाइन है वो सारी डिजाइन आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है, और ये हर वेकेशन में चेंज हो जाता है, हर वेकेशन में बारिश के बाद में ये चेंज हो जाता है। ये जो रणोत्सव है ये रणोत्सव मनाया जाता है नवंबर से या अक्टूबर से शुरू हो जाता है, अक्टूबर से लेके फरवरी तक। अभी ये एंड सीजन अभी चल रहा है, और यहाँ पे व्हाइट डेजर्ट है, सफेद रण जिसको बोलते हैं, बहुत ही सुंदर है, और जरूर एक बार आप विजिट कीजिए। मैं तेजा भाई को कहूंगा, तेजा भाई आपका मोबाइल नंबर हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि अगर उनको यहाँ आना है तो वो आपका कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तेजा भाई नंबर क्या है आपका, मोबाइल नंबर बताइए। 9409107575589। और इनके यहाँ पर इसी तरह के 3 रिसोर्ट है, तो कहीं भी आपको सेम लोकेशन अच्छी तरह से आपको यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रीट दिया जाता है, बहुत अच्छा फूड क्वालिटी है, और जरूर आप एक दिन विजिट कीजिए। जैसे बच्चन साहब बोलते हैं ना, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में आए, तो जरूर गुजारिएगा। आइए मेरे साथ में, हम लोकेशन को और अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ से रणोत्सव जो है वो करीब करीब 16-17-18 किलोमीटर पे है, और वहाँ पे डेजर्ट भी दिखाया जाता है, वहाँ पे बहुत सारी कल्चर्ड एक्टिविटियाँ होती है, जो हम लोग बड़े आराम से हम लोग 3-4 दिन यहाँ पर रह सकते हैं। आसपास में बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन है। कल हम लोग कोटेश्वर विजिट करके आए, बहुत सुंदर प्लेस है। नारायण सरोवर जो है बहुत सुंदर प्लेस है। नज़दीक का जो सिटी पड़ता है वो भुज सिटी है, तो भुज सिटी भी बहुत सुंदर सिटी है। और यहाँ पे खास मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वच्छता के ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में है, चाहे हम गरीब हो चाहे हम कैसे भी हो, लेकिन स्वच्छता जो है वो हमारे हाथ में। मुझे सुंदर लोकेशन अच्छे लगते हैं, नेचुरल लोकेशन अच्छे लगते हैं, लेकिन स्वच्छता मुझे बहुत अच्छी लगती है। कई बार लोग बोलते हैं कि धर्म संस्थान जो होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे ऐसे लोकेशंस होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे लोकेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट में करोड़ों रुपए खर्च करके लोग बनाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे तो कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद इतनी गंदगी वहाँ पे हो जाती है, लोग पान खा के थूकते हैं, लोग कुछ भी गंदगी कर लेते हैं। अरे भाई आप गरीब हो, गरीबों के लिए अगर वहाँ पर कोई धर्म स्थान के ऊपर में कोई अगर अच्छा लोकेशन धर्मशाला बनाई है तो उसको मेंटेन कीजिए, उसको अच्छे से रखिए उसको, क्योंकि वो स्वच्छता जो है वो हमारे हाथ के अंदर में। लोग लिख देते हैं मीना मेरी है, शीला मेरी है,
हाँ, फलानी मेरी है, डिकनी मेरी है। अरे भाई तेरी कैसे हो गई? हाँ तूने तो उसको सबकी कर दी ना, क्योंकि जो भी वो पढ़ेगा वो सोचेगा वो क्या पढ़ेगा, मीना मेरी है, तो तेरी कहाँ हो गई भाई। तो ऐसी चीजें ना करे, स्वच्छता रखे। और देख सकते हैं कितनी अच्छे सुंदर तरीके से इस लोकेशन को यहाँ पर बनाया गया है। ये एंट्रेंस है और आगे चलते हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ा सुंदर रेस्टोरेंट यहाँ पर तैयार है, जहाँ पे आपको भोजन यहाँ पर मिलेगा। हमारा पूरा परिवार अभी यहाँ पर चाय नाश्ता के लिए आया हुआ है। और छुपिए मत, छुपिए मत, हाँ कंफर्टेबल फील कीजिए। ये बड़ा सुंदर यहाँ पर लोकेशन है, यहाँ पर रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चन साहब आए हुए हैं इस प्लेस के अंदर में, और बच्चन जी भी आए हुए हैं। बच्चन जी के फोटोग्राफ्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। थोड़ा नजदीक लेके जाके बच्चन साहब को दिखाइए जी। और बच्चन साहब का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रणोत्सव में उन्होंने जो फोटोग्राफी की है, कैमरा लेके किस तरह से बच्चन साहब ने यहाँ पे फोटोग्राफी की है, आप देख सकते हैं। दोस्तों आइए, जहाँ पे हम लोग ठहरे थे अभी, ये दूसरा उन्हीं का ही रिसोर्ट है। इसको बनी विलेज कहते हैं, और बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा रिसोर्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों पिछले 3 दिन से हम लोग यहाँ पर है ना, मोबाइल का रेंज है यहाँ पे, शायद आता होगा, लेकिन हम जहाँ पे ठहरे थे ना मोबाइल का रेंज है, बड़ा सुकून है। और हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये लोग कितनी अच्छी लाइफ जीते हैं, कितनी साफ सुथरी लाइफ जीते हैं। ये रिसेप्शन है, और ये बनी विलेज है, और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे से भूंगा, जिसको बोलते हैं भूंगा, यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो यहाँ का लोकल ट्रेडिशन, यहाँ का जो रेसिडेंस है वो है। एक यहाँ के भूंगा में हम लेके जाएंगे। सादगी अगर चाहिए, सिंप्लिसिटी, सादगी अगर चाहिए, यहाँ पर जरूर एक बार पधारिए, यहाँ की सादगी को एंजॉय कीजिए। और अगेन मैं कहूँगा वही चीज़ के ऊपर मैं दोबारा कहूँगा कि साफ सुथरा कितना है वो देखिए, स्वच्छता कितनी है वो देखिए। ये यहाँ के भूंगा है, यहाँ ना कोई टीवी है, ना कोई इंटरनेट है, ना और कोई सुविधा है, बहुत सिंपल लाइफ जीए। यहाँ के लोग इसी तरह की लाइफ जीते हैं, और कुछ दिन हम लोग इस तरह से लाइफ को गुजार सकते हैं यहाँ पर। यहाँ की जो कच्छ की वैरायटी है, कच्छ की जो डिजाइन है, वो टोटल डिफरेंट डिजाइन है। वो सारे डिजाइन आर्ट वर्क आपको यहाँ पर दिखेंगे। हैंडीक्राफ्ट से यहाँ की बहुत बहुत फेमस है। आइए दूसरे भूंगा में लेके जाते हैं हम आपको। यहाँ की सीजन जो है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, और फरवरी में ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट होता है। अभी इसके बाद में ये रिसोर्ट बंद हो जाएगा, और फिर बाद में सीधे अभी नेक्स्ट ईयर में अक्टूबर में ये रिसोर्ट ओपन होगा। तो 4 महीना ही, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बड़ी तेज गर्म होती है, ठंड भी अच्छी खासी होती है, लेकिन आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। सो दोस्तों जरूर यहाँ पर आइए, यहाँ पर जरूर विजिट कीजिए, और काफी रिजनेबल रेट के अंदर में तेजा भाई आपको यहाँ पर स्टे दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच तेजा भाई, धन्यवाद आपके पूरी टीम के लिए, धन्यवाद कि आपने अच्छे से यहाँ पर हम लोगों को 2 दिन यहाँ पर ट्रीट दिया। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।